इधर रायपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को हर प्रांत में अमल में लाना है। तो टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस लोगों से बनी हुई पार्टी है, हम लोगों के बीच हमें जाना है। संगठन में अगर कोई पद रिक्त है तो उसे 180 दिन में भरने का निर्देश दिया गया है। वहीं कोई भी व्यक्ति एक पद पर 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। किसी परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा, इस बात का फैसला भी लिया गया है। बात हुई थी, समितियां बनी थी, राजनीतिक समिति थी, सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट की कमेटी थी। जो राहुल जी ने संदेश दिया कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस जन आम लोगों से कुछ दूर हो गए। कांग्रेस पार्टी लोगों से बनी हुई पार्टी है, और अगर कहीं आज ये महसूस किया जा रहा है और उनने कहा कि ये स्थिति है भी, तो हमको लोगों के बीच में जाना है, उनके बीच में उठना है, उनके बीच में समन्वय संपर्क बना के उनकी बातों को आगे ले जाना है। कोई पद अगर रिक्त हैं अभी भी कांग्रेस के संगठन की किसी भी इकाई में, तो 90 से 180 दिन के अंदर ये समस्त पदों को भरने के डायरेक्शन है। मंडल स्तर पे समितियों के गठन करने के डायरेक्शन है। 5 साल से अतिरिक्त कोई भी एक व्यक्ति किसी एक पद में नहीं बने रहेंगे, ऐसी बातें उदयपुर के चिंतन शिविर में घोषणा के रूप में सामने आई थी। एक परिवार का एक से ज़्यादा व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, ये बातें भी आज सामने रखी गई।